अभी किधर जा रहे हैं भाई? ये उसका सेकंड होम। सेकंड होम है मतलब? उसने खरीद लिया था ये। ये है शेक्सपियर साहब का गार्डन। ये जो घर है, शेक्सपियर यहीं पे मरा था, इसलिए इसको बोलते हैं शेक्सपियर पैलेस। बाकी इधर और भी पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है इस जगह को, देख सकते हैं इधर। तो देखिए ग्रीन वुड ट्री मस्त लगाया है, स्पेशली कमीशन्ड बाय द शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट एंड क्रिएटेड बाय लोकल क्राफ्टमैन आडम बैरट मार्केट मार्क द री ओपनिंग ऑफ शेक्सपियर न्यू पैलेस इन 2016 में ये बनाया है। सही है। ये सब सोफा वगैरह सारा इंफॉर्मेशन है। सब बुक का कैरेक्टर है उसका ना ये सब। शेक्सपियर नियर हिज लास्ट रेसिडेंस, नहीं ये उसका लास्ट रेसिडेंस है शेक्सपियर का। अच्छा अभी पूरा फॉल। अब जाना किधर है? अच्छा बहुत खूबसूरत व्यू है अभी देखो, धूप उगने के बाद। ये है नया घर शेक्सपियर साहब का। ये सब अपग्रेड किया है देख रहे हैं, ये उसका लिखावट है पहले का, पूरा नया बनाया है ये सब। मस्त व्यू है गार्डन का। हाँ जा शेक्स मिस्टर विलियम शेक्सपियर कम्स।
Pages of Shakespeare's first folio came off the press. The whole print run was now taken to the centre of the London book trade, St. Paul's Churchyard, to be sold at Edward Blunt's bookshop, The Sign of the Black Bear, and William Apsley's Sign of the Parrot. The folio was finally on sale. It could be bought bound or unbound. हो ही गया अब लगभग, और कुछ देखना है? इधर से बाहर। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, पूरा शेक्सपियर का टाउन देख लिए। ये टाउन का नाम है स्ट्रेटफोर्ड, और यहाँ से अब हम लोग वापस जाएंगे। बहुत मज़ा आया, तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय, अभी निकलते हैं। तो चलिए, लंबा ड्राइव है, उसके बाद फिर आप लोग से बात करते हैं। तो अभी के लिए बाय।